विवादित फिल्म द केरल स्टोरी शुक्रवार को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। फिल्म की कहानी 32,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन कर उन्हें कट्टरपंथी बनाने और भारत समेत दुनिया भर में आतंकी गतिविधियों के लिए तैनात करने को लेकर है, जिस पर विवाद हो रहा है। मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी, कुछ रियलिटी इसमें रियलिटी दिखाई है और वो रियलिटी देख के सच में बहुत मूड बहुत अपसेट है कि हमारी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है केरला के अंदर। हम चाहते हैं कि इंडिया में और कभी ऐसा कुछ ना हो। जो एजेंडा चल रहा है इन लोगों का, वो कम से कम सबकी नज़रों में आना चाहिए। दिल बेहद अब दुख हो रहा है इस चीज़ को देखते हुए, बस बहुत गुस्से में उस समय देखी मूवी। कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, इसमें रियलिटी दिखाई है। इसमें कॉन्ट्रोवर्शियल वाली खाली बात है, इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्शियल वाली बात नहीं है, इसके अंदर रियलिटी दिखाई है। सब सबके सामने लेके आए हैं। जो डायरेक्टर निर्देशक हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने मूवी के अंदर, और मैं तो चाहूँगा रियलिटी सबके सामने आनी चाहिए मूवी देख के। दिल्ली में पहले दिन के शो में गए लोगों का एक वर्ग ये कहते हुए बाहर आया कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रतीत होती है। ये आश्चर्य की बात है कि जो दिखाया जा रहा था वो केरल में हो रहा था। नहीं लगता है कि थोड़ा बहुत कि अपनी तरफ से दर्शाया गया है, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कहानी बनाई गई है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। जिस तरीके से पेश कर रहे हैं इस्लाम धर्म को, ऐसा कुछ है नहीं। बस ये है, जिस टाइम मतलब हमारे देश में जब वोट के टाइम आता तो इसी तरीके से मतलब मूवी लेकर को आया जाता है, मतलब जिससे समाज में मतलब गंदगी फैले। लेकिन केरल में प्रतिक्रियाएं एकदम विपरीत थी। फिल्म रिलीज होने से एक दिन पहले पीटीआई ने छात्रों से बात की, जिन्होंने कहा कि केरल स्टोरी ने राज्य की छवि खराब की है। फिल्म में जो दिखाया गया वो सच नहीं है। ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നും ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സുരക്ഷിതരായിട്ട് ജീവിക്കാനും സ്വന്തം വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു നാട് തന്നെയാണ് കേരളം. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നോർത്തിലൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ കേരളം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിത്രം വരച്ചു കാട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ പുറത്തു വരുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് തികച്ചും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്ന കാര്യമല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവരെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇത്രയും ഇത് ഒരു ശരിക്കും ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായ നീക്കം തന്നെയാണ്. सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतपाल शाह द्वारा निर्मित इस फिल्म में अदा शर्मा मुख्य भूमिका में है। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में।